दोस्तों मुझे याद है 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और आज मैं कह सकता हूं जिस सपने का बीज मैंने बोया था आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। उस बीज को मैं आज इतने विशाल वटवृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। ...2010 में पहले खेल महाकुंभ में ही गुजरात ने 16 खेलों में 13 लाख खिलाड़ियों के साथ इसका आरंभ किया था। मुझे भूपेंद्र भाई ने बताया कि 2019 में हुए खेल महाकुंभ में ये भागीदारी 13 लाख से 40 लाख युवाओं तक पहुंच गई थी। 36 स्पोर्ट्स और 26 पैरा स्पोर्ट्स में 40 लाख खिलाड़ी, कबड्डी, खो खो और टग ऑफ वॉर से लेकर योगासन और मल्लखंब तक, स्केटिंग और टेनिस से लेकर फेंसिंग तक, हर खेल में हमारे युवा आज कमाल कर रहे हैं। और अब यह आंकड़ा 40 लाख को पार करके 55 लाख पहुंच रहा है। शक्ति दूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों को सहयोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है और ये जो लगातार अविराम प्रयास किए गए, खिलाड़ियों ने जो साधना की और जब खिलाड़ी प्रगति करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये गुजरात की युवा शक्ति का आपको गर्व है? गुजरात के खिलाड़ी पराक्रम कर रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है? खेल महाकुंभ से निकलने वाले युवा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स समेत कई वैश्विक खेलों में आज देश का और गुजरात का युवा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसी ही प्रतिभाएं इस महाकुंभ से भी आपके बीच से ही निकलने वाली है। खिलाड़ी युवा तैयार करते हैं, खेल के मैदान से उभरते हैं और पूरे हिंदुस्तान का परचम
दुनिया में लहराते हैं। साथियों, एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल एक दो खेलों के भरोसे टिकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खेल देश के गौरव और पहचान से जुड़े थे उन्हें भी भुला दिया गया। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितना ध्यान देना चाहिए था, जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। खिलाड़ियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूझने में ही निकल जाती थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी चमका भी रही है और चमत्कार का अनुभव भी करा रही है। दुनिया का सबसे युवा देश खेल के मैदान में भी एक ताकत बनकर उभर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने इस बदलाव को साबित किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं। यही रिकॉर्ड भारत के बेटे बेटियों ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी बनाया। भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में 19 मेडल जीते। लेकिन साथियों, ये तो शुरुआत है। न हिंदुस्तान रुकने वाला है, न हिंदुस्तान थकने वाला है। मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों की तपस्या पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों के सपने, संकल्प और समर्पण पर भरोसा है। और इसलिए आज मैं लाखों युवाओं के सामने हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि भारत की युवा शक्ति इसे बहुत आगे लेकर जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब हम कई खेलों में कई गोल्ड एक साथ जीतने वाले देशों में
हिंदुस्तान का तिरंगा भी लहराता होगा। तो अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और यहां पर खेल महाकुंभ को वो संबोधित कर रहे थे, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एबीपी न्यूज रख रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।